दरवाजे पर दिखाने के लिए तैयार रखना। शुक्रिया। अरे आपको तो बुखार है, प्लीज मेडिकल चेकअप के लिए इस बाजू जाइए। आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे बुखार की परवाह मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। आपका ये बुखार मलेरिया टाइफाइड कुछ भी हो सकता है। कानून के मुताबिक जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं लगता आप सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, वो अल्लाह का दरबार है, वहाँ रहमत बरसती, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपकी बात सही है साहब, मगर मैं मजबूर हूँ। दो मुल्कों के बीच जो कानून की नजाकतें होती हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। आई एम सॉरी। मुल्लिम साहब कहाँ? वो रहे जनाब। अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलिन साहब, आप जरा इनसे कहिए मुझे हज पे जाने दें। देखिए, मेरी अम्मी जान की जान खतरे में है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मैं बड़ी उम्मीद लेकर के परवरदिगारे आलम की बारगाह में जाना चाहता हूँ। मौलिन साहब, मदीना मुनव्वरा हुजूर की जालियां पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगा मैं, हिजरे अस्वद को चूम चूम कर मैं अपनी वालदा की जिंदगी मांगूंगा। आप जरा इनसे कहिए मुझे जाने दें। देखिए, ये आखिरी बोर्ड जाना। देखो बेटे, ये अल्लाह की मसलियत है। जब तक उसके दरबार से हुक्म नहीं आता, इंसान लाख कोशिश करे जा नहीं सकता। वो देखो, ये गरीब बूढ़ा आज 15 दिनों से यहां भूखा प्यासा पैसे इकट्ठे कर रहा है। जिद पर है कि मैं हज के लिए जाऊंगा, वरना हाजियों के कदमों में अपनी जान दे दूंगा। इसके सब कागजात तैयार हैं, लेकिन इसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास टिकट है, लेकिन तुम जा नहीं सकते। तुम हज्जो बदल क्यों नहीं कर लेते? हज्जो बदल? तुम अपनी जगह इसे क्यों नहीं भेज देते? इसकी दुआओं से तुम्हारी फरियाद वहां पहुंच जाएगी और तुम्हारी मां को नई जिंदगी नसीब हो जाएगी इंशाल्लाह। बाबा, कौन भाई? बाबा, या अल्लाह, क्या बात है बेटे? हाँ, आप हज पे जाना चाहते हैं? हाँ, वो सारी जिंदगी इंसानों का इम्तिहान लेता है, आज मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। देखता हूँ उसकी रहमत कभी गरीबों पे भी बरसती है या नहीं, वो कभी बुलाता है कि नहीं। बुला लिया बाबा, बुला लिया। आप हज पे जाएंगे? मैं? हाँ बाबा, मैं अपने बदले आपको भेजना चाहता हूं, लेकिन वहां जाके मेरे लिए आपको दामन फैलाकर खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ मांगनी पड़ेगी। बाबा, कहिएगा कि मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले बाबा, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले। बरसों पहले मेरे बेटे ने मुझे हज करवाने का वादा किया था। आज ऐसा लग रहा है कि वही मेरा खोया हुआ बेटा अपना वादा पूरा कर रहा हो। हाँ, हज मुबारक हो बाबा। बेटे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी वालदा को सलामत रखे। नजर रो मुस्तफा ढूंढती है, दयारे खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले थे, मदीने वाले थे, मेरा सलाम कहना मदीने वाले थे, मेरा सलाम कहना। हटा
समंदर का भी सीना, हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, अल्लाहुम्मा मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना उसी का है जीना, उसी का है मरना उसी का है जीना, न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहे, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लबैक बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं तेरे आसपास से, मेरी हाजिरी ले ले आपा यहाँ से, मुझे बख्श दे जब्त के इम्तिहान से, के मजबूर हूँ मैं गमे दो जहाँ से, चुने गुल सभी ने तेरे सितां से, मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिजा से, तुझे सब पता है कहूं क्या जुबां से, फकत एक इशारा तू कर दे वहां से,